तो चलो प्यारे बच्चों, एक अच्छा सा सवाल है, और इससे जो पहला वाला सवाल है वो भी देख लेना। उससे क्या होगा कि हमें ये दो सौ क्वेश्चन अगर कर लोगे तो जनरली इस पे टॉपिक पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है और बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते और वो कर नहीं पाते हैं। ठीक है, तो अच्छे से समझने की कोशिश करना। डिफ्रेक्शन पैटर्न है ड्यू टू सिंगल स्लिट, विड्थ ए है, फर्स्ट मिनिमा ऑब्जर्वेड एट 30 डिग्री। जो फर्स्ट मिनिमा है, तो अगर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ तो सबसे पहले मैं डिफ्रेक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट बना लेता हूँ। इनके बीच का जो ये जो विड्थ है वो ए है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे स्क्रीन है, तो यहाँ पर फर्स्ट मिनिमा बना है पॉइंट पी पे, और ये एंगल थीटा मान लेता हूँ 30 डिग्री। ठीक है, तो आई होप कि आपको पता होगा ऐसे बनता है, ये सेंट्रल मैक्सिमा है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट मिनिमा एंड सो ऑन। तो ये एंगल 30 डिग्री, और ये अपना डी है। ठीक है, और ये जो इसका जो लोकेशन है, ये फर्स्ट मिनिमा का जो लोकेशन है ओरिजिन से, ये वाई डिस्टेंस ऊपर है। ठीक ना, मज़ा आ गया। तो यहाँ से तुम देखोगे फर्स्ट मिनिमा का जो कंडीशन है, तुम पढ़े होगे यहाँ से, ए साइन थीटा इज द इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू। ये एन लैम्डा लिख दो, या इसी को इवन मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू लिख दो। ठीक ना, जो कि इंटरफेरेंस से अपोजिट है कंडीशन। ठीक है, अब यहाँ से जो साइन थीटा है वो बहुत एंगल छोटा है, और एन की वैल्यू यहाँ अपनी इंटीजर है, तो एन 1, 2, 3, 4 ऐसे स्टार्ट होती है। तो एन इज इक्वल टू 1 पे ये फर्स्ट मिनिमा बनेगा, फर्स्ट मिनिमा। ठीक है ना, और ये एन इज इक्वल टू 2 के लिए यहाँ से सेकेंड मिनिमा, जो कि उसके ऊपर थोड़ा सा, तो एंड सो ऑन और थ्योरेटिकली अप टू इन्फिनिटी। तो यहाँ से तुम देखोगे साइन थीटा की वैल्यू, एन की वैल्यू 1 लिखोगे तो ये लैमडा वाई ए आ जाएगा, और अगर लैम्डा वाई ये आ जाएगा तो साइन जो है, यहाँ से तुम देखोगे साइन थर्टी दिया हुआ है, साइन थर्टी इज इक्वल टू लैम्डा, साइन थर्टी, तो लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, हाँ लैम्डा की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ए बाई टू। तो एक इक्वेशन तो मुझे यहाँ से मिल गया। अब मैं इसको कुछ नहीं करता, यहीं पे रहने देता हूँ, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात आपको नहीं होगी। बात करते हैं दूसरे कंडीशन की। ये पहला कंडीशन था सवाल का। ठीक है, और मैं अगर दूसरे कंडीशन की बात करूं तो दूसरा वाला कंडीशन क्या कहता है उसको थोड़ा सा मैं डिस्कस करता हूं। ठीक ना, तो चलो दूसरे कंडीशन पे आ जाओ। तो यहां से दूसरे वाले कंडीशन भी कहते हो कि जो लाइट है उस उसकी वेवलेंथ, यहाँ पे लैम्डा दिया हुआ है फोटो ने इंसिडेंट वाला, द फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा इज ऑब्जर्व। सेकेंडरी मैक्सिमा कहाँ बनेगा? तो ये जो होता है वो सेंट्रल मैक्सिमा होता है। ठीक है, और फिर यहाँ से सेकेंडरी मिनिमा का कंडीशन लिखो यहाँ से। सबसे पहले फॉर मैक्सिमा, ये मिनिमा का लिखे थे, तो मैक्सिमा, तो मैक्सिमा का क्या कंडीशन होता है कि ए साइन थीटा पार्ट डिफरेंस ओड मल्टीपल ऑफ लैम्डा बाई टू, याद रखना। ठीक है ना, जो मैं करवा रहा हूँ, जो मैं आपको सॉल्व कराया हूँ, पूरा वीडियो देखोगे तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा और छूटेगा नहीं। तो तुम यहाँ पे तुम देखोगे जो वाई डी एस सी था उसमें मैं एन को 0 से स्टार्ट किया था, लेकिन यहाँ पे एन को हम लोग 1 से स्टार्ट करते हैं, 1, 2, यहाँ से 3 और 4 और डॉट 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 टू इन्फिनिटी। तो एन इज इक्वल टू 1 पर फर्स्ट मैक्सिमा बनता है। ठीक ना, और एन इज इक्वल टू 2 पर, यहाँ से एन इज इक्वल टू 2 पे वहाँ से सेकेंडरी मैक्सिमा बनता है। और एन, क्योंकि यहाँ पर जो ये वाली जो जो ओरिजिन पे बना है, इसका नाम है सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक है, तो इसके बाद फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा वगैरह बनता है। तो अगर तुम फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा की वैल्यू रखोगे तो एन इज इक्वल टू 1, और यहाँ से साइन थीटा वन मतलब फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट सेकेंडरी थियरी इसलिए डिस्कस कर देता हूँ कि बच्चों को दिक्कत ना हो यार। तो यह आ जाएगा, एन की वैल्यू 1 रखो तो यह आ जाएगा 3 लैम्डा अपॉन 2 ए। तो सेकेंड सेकेंडरी मैक्सिमा जो आएगा वो आ जाएगा sin θ2, उसका एंगल कुछ और होगा, वो आ जाएगा 5 लैम्डा अपॉन 2 ए। ठीक ना, और ये मैक्सिमा। ठीक ना, तो यहाँ से तुम देखोगे, अब मुझे ये वाला चाहिए था, यहाँ से इस हमें ये चाहिए था, ये वाला। ठीक है, तो θ1 यहाँ से आ जाएगा, वो आ जाएगा sin 1 3 लैम्डा अपॉन यहाँ से 2 ए। अब वैल्यू डाल दो यहाँ से साइन इनवर्स, और यहाँ से 3, और लैम्डा की वैल्यू तुम यहाँ से निकाले थे, लैम्डा की वैल्यू आई थी a बाई टू।
यहाँ टू और यहाँ से ए और ए बाई टू, तो यहाँ से ये कट गया, तो ऊपर से कंडीशन से पहले कट, तो थीटा वन की जो वैल्यू आ जाएगी वो जाएगी साइन इनवर्स 3/4 इज द फाइनल सोल्यूशन। तो साइन इनवर्स 3/4 अगर इसका फाइनल सोल्यूशन है, तो साइन इनवर्स 3/4 इस लॉजिक से अपना जो बी ऑप्शन है वो सही हो जाता है प्यारे बच्चों। तो बी ऑप्शन देख लो कौन सा है, दिस इज वन, दिस वन इज द करेक्ट। थैंक यू।